गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हमारा बेटा कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। आज मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, द्वितीय पाठक, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बहुत अच्छी कहानी है बेटा, ये कहानी है कि बिलस्य वाणी, बिल की वाणी, ये जो गुफा होती है या कोई बिल होता है उसकी वाणी, न कदापि मे श्रुता, मैंने कभी भी नहीं सुनी है। देखो इसमें क्या बताया गया है, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र कहानी है, उसके तीसरा तंत्र जो है काकुलोकियम, उससे लिया गया है। पंचतंत्र के जो मूल लेखक होते हैं वो विष्णु शर्मा हैं। बेटा आप ये ध्यान देना, अंडरलाइन करें इस चीज़ को कि पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, क्योंकि हमारे कई बार क्वेश्चंस आ जाता है। इसमें 5 खंड होते हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है बेटा, पंचतंत्र। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं भी हैं, जिसके पात्र मुख्यतः मुख्य रूप से कौन है, पशु और पक्षी हैं। इसमें क्या बताया गया है मैं बताती हूँ आपको, पूरी कहानी एक बार पहले मैं हिंदी में सुना देती हूँ फिर आगे हम पढ़ेंगे। इसमें एक जंगल में क्या होता है, खर नखर नाम का एक शेर रहता है, ठीक है। वो कहीं इधर उधर घूमते हुए भूखा था, तो इधर उधर घूमते घूमते उसको कहीं भी कोई खाना नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। उस समय उसको क्या हुआ, एक बड़ी गुफा दिखी। जब गुफा देखी तो उसने विचार किया कि इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव जंतु आएगा, तो मैं यहीं चिपके बैठ जाता हूँ और जब भी वो जीव जंतु आएगा तो अपन उसको खा लेंगे, इससे हमारा पेट भर जाएगा। अब उस गुफा का जो स्वामी था वो एक सियार था, ठीक है। सियार का नाम था बेटा ददीपुच्छ। तो वो जैसे ही देखता है कि शेर के जो पैरों के चिन्ह हैं वो गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन वापस बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए, तो सियार ने सोचा कि मैं नष्ट हो गया हूँ, क्योंकि निश्चय इस गुफा में तो क्या है, शेर है, अब क्या किया जाए। तो वो कुछ विचार सोचता है, तो विचार सोच करके वो आवाज़ लगाना प्रारंभ कर देता है कि हे गुफा, क्या तुझे याद नहीं रहा कि तेरे और मेरे बीच में एक शर्त लगी थी कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अब आपको पता है गुफा में से कोई ऐसी आवाज़ आती है क्या, या गुफा किसी को बुलाती है क्या, लेकिन उसने ये विचार किया, ऐसा एक उपाय सोचा, तभी इसीलिए कहते हैं कि सोच विचार के काम करना चाहिए, बिना सोचे जो भी काम होता है वो हमेशा नुकसानदायक होता है। इसके बाद ये सुनकर शेर ने क्या सोचा कि वास्तव में शेर तो बेवकूफ बना, उसने क्या सोचा कि वास्तव में ये गुफा इसके स्वामी को बुलाती होगी, लेकिन मैं अंदर बैठा हूँ तो मेरे डर की वजह से गुफा बोल नहीं रही। तो उसने क्या किया कि भय से जो डरे हुए, मतलब ये जो गुफा डर रही है इसलिए हो सकता है कि इसकी प्रवृत्त वाणी नहीं निकल रही है, मुझसे डरी हुई है, तो चलो आगे विचार किया जाए। तो उसने क्या किया, शेर ने खुद आवाज़ लगाना शुरू कर दी बेटा, ठीक है ना, कि मैं ही इसको बुला लेता हूँ, इस प्रकार वो बिल में प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश कर जाएगा तो मैं इसका भोजन बन जाऊँ, मेरा भोजन बन जाएगा। तो शेर ने ऊंची गर्जन से गुफा में सियार को बुलाया, इससे दूसरे शेर पशु बस्ती भी डर गए और सियार ने भी दूर भागते हुए ये कहा कि जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, और जो आए हुए का प्रतिकार नहीं करता वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में मैं क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन मैंने आज दिन तक कोई भी बिल में या कोई गुफा में आवाज़ नहीं सुनी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको बेटा, है ना। फर्स्ट पैराग्राफ, कस्मिंश्चित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंश्चित, किसी वने यानी वन में,
खर नखर नाम का, सिंह यानि शेर प्रतिवस्ती इसमें रहता था। स कदाचित इतस्तत परिभ्रमण क्षुदार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। स यानी वह, ठीक है, कदाचित कभी कभी, इधर उधर, इतस्तत यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, क्षुधार्थम भूख से पीड़ित, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्, मतलब वह भूख से पीड़ित था और इधर उधर घूम रहा था लेकिन थोड़ा सा भी आहार उसे प्राप्त नहीं हुआ, यानी कोई भोजन उसे नहीं मिला। तत् सूर्यास्त समय, उसके बाद, तत् यानी उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय, एकाम महतीम गुफाम दृष्टवा, एक महतीम यानी बहुत बड़ी गुहा यानी गुफा को, दृष्टवा यानी देख करके, स अचिंतयत, उसने विचार किया। क्या विचार किया बेटा, देखो, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीव आगच्छति, नूनम यानि निश्चित ही, एतस्याम यानि इसमें, रात्रौ यानि रात में, गुहायाम यानि गुफा, लेकिन निश्चित ही इस गुफा में रात को अपि यानि कोई भी जीव यानि जीव प्राणी आगच्छति आता है, को अपि बेटा, कह धन अपि विसर्ग संधि या को धन अपि पूर्वरूप संधि दोनों हो सकती है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अत्रैव अत्र प्लस एव वृद्धि संधि, अतः यानी इसलिए, अत्रैव पे आप रेखांकित करेंगे बेटा, ठीक है, अत्र धन एव वृद्धि संधि, इसलिए यहाँ पर ही निगूढ़ो यानी छिप करके, भूत्वा तिष्ठामि यानी बैठ जाता हूँ, तो उसने क्या सोचा कि इसलिए मैं यहाँ पर छिप करके बैठ जाता हूँ, ठीक है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधि पुच्छ नाम कह श्रगाल समागच्छत, एतस्मिन् इसी बीच, अंतरे यानि अंतरे यानि बीच में, गुहाया गुफा का स्वामी कौन, दधिपुच्छ नाम का श्रगाल समागच्छत, दधिपुच्छ नाम का सियार आया, ठीक है बेटा। आगे देखो, सच यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, क्या देखा उसने, वह जो ही देखता है त्यों ही शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, मतलब उसने क्या देखा कि शेर के पैर जो हैं वो तो गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, न च बहिरागता, लेकिन बाहर नहीं आए, मतलब शेर कोई भी जानवर जो है वो क्या है, इसके अंदर ही है, ठीक है। आगे देखो, श्रगाल अचिंतयत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे नष्ट हो गया हूँ, ये तो मेरा विनाश था, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, निश्चय ही, नूनम याने निश्चय ही, अस्मिन् बिले इस बिल में, कौन है, सिंह यानी शेर है, अस्तिति तर्कयामि, ऐसा लगता है, तत किम करवाणी, तो मैं क्या करूँ,
ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा, सबका क्लियर है। अब आगे का हम कल पढ़ेंगे।